मौसम विभाग के हाई अलर्ट होने के करने के बाद जिला प्रशासन और शासन को दतिया जिला में जो अतिवृष्टि हो रही है और उस प्राकृतिक प्रकोप के कारण जो दुखद घटनाएं आई है उनमें से एक घटना हल्कापुरा में घटित हुई है जो बहुत ही दुखद पूर्ण है और जिला प्रशासन पर्याप्त तैयारी में होना चाहिए था जो नहीं है। रेस्क्यू तत्काल होना चाहिए और प्रशासन को पूरे जिले में चाहे वो कोटरा गांव हो या और भांडर फाटक का ये रोड हो जहां पर करण सागर ओवरफ्लो हो रहा है, दूसरे तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं, यहां भी तत्काल पानी निकालने की व्यवस्था होना चाहिए और इस तरह की दुखदपूर्ण घटनाएं नहीं घट पाए इसके लिए उनको प्रिपेयर रहना चाहिए। हम शासन जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हल्कापुरा की घटना घटित हुई है उस घटना से जो प्रभावित लोग हैं, जो मृतक हैं, जो घायल हैं, मृतक परिवारों के लोगों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल देना चाहिए, जो घायल हैं उनको इलाज के लिए 2-2 लाख रुपए तत्काल शासन और प्रशासन को देना चाहिए। कितने लोगों की दबके की आशंका है? देखिए जैसा आप जहां जिस स्थान पर खड़े हैं जो लोग बता रहे हैं 7 लोगों की जानकारी मिली है, 7 लोग इस दीवार से गिरने के कारण दबे थे, कुछ लोग इलाज के लिए चले गए और कुछ लोग अभी दबे हो गए। घटना हो गई है? नहीं, रात को सो रहे थे, एकदम से अचानक आवाज आई 3:30 बजे के आसपास, बहुत भगड़ा के क्या गिरा कुछ समझ में नहीं आया, बाद में पता चला देखा कि यहाँ पे तो रगड़ी हुई थी, लोग दबे हुए थे। 7 लोग रहते हैं, 7 लोग दब गए, लगभग 9 लोग रहते थे। घटना कितने बजे की? 3:30 रात को 3:30 बजे। कौन सा मोहल्ला है ये? हल्कापुरा बोलते हैं, फिल्टर के पास, पानी पुराना वाटर फिल्टर। क्या घटना हुई? नहीं, कोई 3:30-4 बीच में घटना हुई, रग गिरी हुई है, 9 में से 9 लोग थे, 9 में से 2 बचे हुए हैं अभी, वो उनको थोड़ा खरोच मदद चाहिए और 7 की अभी गंभीर की हालत बहुत आ गया, उनको पता नहीं है अभी बचे कि नहीं बचे, लगे कर्मचारी निकालने के लिए उनको। 7 दीवार जो गिरी कैसे गिरी? ये बारिश के कारण गिरी है, 17-18 घंटे से बारिश हो रही थी, घर में पानी बैठा हुआ है इसलिए बारिश से ये गिर चुकी है बिल्कुल।